हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल, ठीक है। पीरियडिक टेबल को कैसे याद रखा जाए, पूरा सब ट्रिक अच्छे से याद रखेंगे। आप इसी वीडियो में, जब ये वीडियो खत्म होगा, आपका पीरियडिक टेबल आपके मुंह में होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा, जो सब ट्रिक्स बोलूंगा, वो लिखते जाइए, ठीक है। और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक बटन में प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। भाई, आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, मगर वही सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पीरियडिक टेबल का, ठीक है, ये जो पिंक कलर पार्ट है, ये तुम्हारा एस ब्लॉक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, ये एस, ये डी, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है, ठीक है। और एक नीचे एनसीईआरटी में देख पाओगे, एक नीचे भी एक ब्लॉक होता है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तुमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए ये दो ब्लॉक, ठीक है। तो इसी दो ब्लॉक का आज हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। देखो, जब टॉप से बॉटम आते हो ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं टॉप से बॉटम, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मगर जब डी ब्लॉक पढ़ते हैं तब पीरियडिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, भैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे टॉप से बॉटम पढ़ेंगे। पी ब्लॉक कैसे पढ़ेंगे ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ग्रुप 1, ये है तुम्हारा ग्रुप 2, देन ये ग्रुप 3, G3 लिख देता हूँ, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ग्रुप 13, बोरोन फैमिली 14, कार्बन फैमिली 15, नाइट्रोजन फैमिली 16, ऑक्सीजन फैमिली फ्लोरीन, इसको बोलते हैं हालोजन 17, ग्रुप 17 बोलते हैं हालोजन, और ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबेल गैस, ठीक है। तो कैसे याद रखी जाए, तो ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। ग्रुप 1 का ट्रिक है, हाय लीना, कल कल रूबी क्लास से फेरार, ठीक है। तुम लीना, तुम्हारा एक दोस्त है, तो उसको तुम बोल रहे हो कि रूबी क्लास से फेरार हो गया। फेरार मतलब हम ओडिया में बोलते हैं चला गया, भाग गया, ठीक है। तो किसी लड़के के साथ रूबी भाग गया, ठीक है। तो तुम कैसे, लीना तुम्हारा है, तुम्हारा दोस्त, तो उसको कैसे बोलोगे ना, हाय लीना, कल रूबी क्लास से फेरार हो गया, मतलब भाग गया, किसके साथ, एक लड़के के साथ। तो हाय, एस से आता है हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, एन ए, एन ए फॉर्म होता है इसका, सोडियम का हम सिंबल में लिखते हैं एन ए, देन के से पोटेशियम, ठीक है, रूबी से रूबिडियम, क्लास से सीजियम, फेरा से फ्रांसियम, देन ग्रुप 2 को आते हैं, ग्रुप 2, ये गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, बे मंगल कार स्कूटी बेस्ट रहेगा तेरे लिए। भाई, तेरे लिए साइकिल अच्छा नहीं रहेगा, तेरे लिए बाइक अच्छा नहीं रहेगा, तेरे लिए अच्छा क्या रहेगा ना, कार एंड स्कूटी, तेरे को वो फिट रहेगा। तो तुम अपना दोस्त एक है मंगल नाम का, ठीक है, उसको बोल रहे हो बे मंगल, दोस्त लोग में बेबा करते हैं ना, बे मंगल कार स्कूटी बेस्ट रहेगा तेरे लिए, ठीक है, तेरे लिए नहीं लिखा हूँ, बे मंगल कार स्कूटी बेस्ट रहेगा। बे से बेरिलियम, मंगल से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटी से स्ट्रोंसियम, बेस्ट से बैरियम, रहेगा से रेडियम, ठीक है। देन आते हैं हम 13, ग्रुप 13, वो है बोरोन फैमिली, ये अच्छा वाला ट्रिक है। बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, बड़ा बड़ा जो आलू था, ठीक है, हमारा बहुत टाइप का आलू रहता है ना, मतलब प्रोड्यूस होता है, छोटा आलू, बड़ा आलू, मीडियम साइज का आलू, जो सबसे बड़ा था इंडिया ने उसको क्या किया ना, थाईलैंड को भेज दिया, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखें ना, बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, बड़ा से आया बोरोन, आलू से आया एल्यूमिनियम, गया से आया गैलियम, इंडिया से आया, सॉरी, इंडिया से क्या हुआ ना, इंडियम, थाईलैंड से हुआ थाइलम, ठीक है। देन आते हैं ग्रुप 14, जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली,
केमिस्ट्री सार गिव संकी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री जो सार थे वो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम देते थे। तो केमिस्ट्री से आया कार्बन, सार से आया सिलिकॉन, गिव से आया जर्मनियम, संकी से आया एसएन, ठीक है। इसका टीन को बोलते हैं सिंबल एसएन, इसको थोड़ा बहुत तुम याद रखना। देखो सोडियम जैसे है, तुम सोडियम को बोलते हो एनए, बाकी याद रखना इजी है। लिथियम एलआई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच, मगर कुछ कुछ टर्म सोडियम एनए, पोटेशियम, ठीक है, के टीन को एसएन, लीड को पीबी, ये थोड़ा बहुत अलग है, इसको तुम याद रखने के लिए मतलब ट्राई करो, ठीक है। तो केमिस्ट्री सार गिव संकी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री से आया कार्बन, सार से आया सिलिकॉन, गिव से आया जर्मेनियम, संकी एसएन, ठीक है। हम सिंबल को ध्यान देते हैं ना कि नाम पे। संकी से आया एसएन, एसएन मतलब टीन, प्रॉब्लम से आया पीबी मतलब लीड, ठीक है। मेरा तीन दोस्त थे ये ग्रुप 15 का, कैसे याद रखो। देखो मेरा तीन दोस्त थे, नीलू, पारितोष, अभिषेक। तुम अपना दोस्त बात मतलब चॉइस कर लो कि एन से कौन सा नाम दोस्त का नाम शुरू हो रहा है, पी से कौन सा दोस्त नाम शुरू हो रहा है, और ए से कौन सा दोस्त नाम का शुरू हो रहा है। तो आप याद करो कि ए पी एन में कौन कौन आपका दोस्त है, और उसी हिसाब से आप नाम दे दो कि मेरा तीन दोस्त है, नीलू, पारितोष, अभिषेक, ये तीनों मेरा दोस्त है, अच्छे वाले दोस्त है। तो ये सब भिखारी है भाई, पैसा खर्चा करने का टाइम आएगा तो कोई भी सिंगल पैसा खर्चा नहीं करेगा, ठीक है। सब बोलेंगे मतलब खा लेंगे, या फिर हॉल के लिए टिकट काटूंगा मैं, तो कोई भाई पेमेंट भी नहीं करेगा, ठीक है। बोलेंगे भाई तू फेलोशिप पा रहा है तू कर, ठीक है। तो ये सब के सब भिखारी है, हमारे दोस्त लोग होते हैं ना ऐसे, मगर भाई प्यारा है, दिल में रहते हैं वो सब, ठीक है। तो आपके भी दोस्त कुछ होंगे जिसका नाम एन से, पी से, ए से शुरू हो रहा है, उसका नाम लिख दीजिए और सब भिखारी लिख दीजिए। तो नीलू से हुआ नाइट्रोजन, पारितोष से हुए फास्फोरस, अभिषेक से हुआ आर्सेनिक, सब से हुआ Sb, एंटीमोनी। इसको देखो ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखना, एंटीमोनी स्टांस Sb, इसका सिंबल। भिखारी से हुआ बिस्मत, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोल सकते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है। इसको ये आया हमारा ग्रुप 16, को बोल सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एफ लिख देता हूँ, और इसको बोल सकते हैं ग्रुप 17 को हालोजन, ग्रुप 18 को बोल सकते हैं नोबेल गैस, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद रखोगे ना, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। बच्चों सॉरी, मेरा ये भूल गया था कि मेरा ये फोटो बहुत बड़े से आ रहा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अभी याद आया मेरे को, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, वो अगले वाला साइड स्लाइड ये देख लो पूरा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सॉरी मेरे को याद नहीं था कि मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नहीं तो लिख दो, लिखने से तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली वो गया था थाईलैंड, गया था उसको तेल पॉलिश किया गया, ठीक है। लड़की लोग आके पूरा स्टाइल से तेल पॉलिश किए, तो वो बोल रहा है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है। ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, एसी से सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देन हालोजन फैमिली, ग्रुप 17 फैमिली को बोलते हैं हालोजन फैमिली। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अहमदाबाद, भाई हैदराबाद को भूल जाओ, पीरियोडिक टेबल के लिए याद रखो, फर्स्ट क्लास बिरयानी तुम्हारा जो मिलता है ना अहमदाबाद में मिलता है। एस जो सिटी आ रहा है मेरे दिमाग में आया अहमदाबाद, तो मैं यहाँ अहमदाबाद लिख दिया, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वहाँ वही सिटी लिख दीजिए। हमको भूल जाना है कि बेस्ट बिरयानी हैदराबाद में मिल रहा है, भाई हमको पीरियोडिक टेबल याद रखना है, तो हमको याद रखना है फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अहमदाबाद, ठीक है, चाहे वो मिले या ना मिले, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट से आया फ्लोरिन, क्लास से आया क्लोरिन, बिरयानी से आया ब्रोमिन, आयन, इन से आया आयोडीन,
अहमदाबाद से आया अष्टनैन, ठीक है। देन नोबेल गैस क्या है, मेरा तीन फ्रेंड है जो कि लड़की है, उनका नाम हैना नैना करीना, हैना नैना करीना। उनका एक्सरे भी रंगीन आता है भाई, हम सबका एक्सरे ना ब्लैक एंड व्हाइट आता है, वो इतना खूबसूरत है ना, उनका मतलब एक्सरे भी ना रंगीन आता है, पूरा कलरफुल आता है, ठीक है। तो मैं लिख दिया क्या ना, हैना नैना और करीना एक्सरे रंगीन। हैना से आया हीलियम, नैना से आया नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि एक आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज यार एक लाइक बटन में भी प्रेस कर देना, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जेन्यूनली अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।